हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू recruitmentresult.com where यू कैन सर्च गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स एनी टाइम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे मन में ये डर जरूर रहता है कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं, क्या गिवन टाइम लिमिट में हम सारे क्वेश्चन पूरे कर पाएंगे या नहीं। तो कैंडिडेट्स के माइंड में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मेरा पेपर छूट ना जाए। तो दोस्तों, आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ सिंपल मगर असरदार टिप्स फॉर फास्टर राइटिंग इन एग्जाम। इन टिप्स को फॉलो कर आप कम समय में ज्यादा लिख एग्जाम क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, यूज द राइट पेन और पेंसिल। दोस्तों, आप लिखने के लिए कौन से पेन या पेंसिल का यूज करते हैं, इससे आपकी राइटिंग स्पीड काफी हद तक डिपेंड करती है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो आपके हाथों में अच्छे से ग्रिप करना चाहिए। पेन को ज्यादा टाइटली होल्ड ना करें। स्टूडेंट्स अक्सर पेन के ब्रांड और लुक से अट्रैक्ट होकर काफी हैवी पेन यूज करने लगते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि पेन जितना हैवी होगा आपकी राइटिंग स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी, और हैवी पेन से लगातार लिखने से आपके हाथों में दर्द भी महसूस होने लगेगा। तो इसके लिए आपको ये श्योर करना होगा कि कौन सा पेन आपके हाथों में अच्छा ग्रिप करता है और आप कंफर्ट जोन में लिख पा रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, पेन का वेट कम रखने के लिए मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप पेन की कैप उतारकर उसको यूज करें। फिर दूसरी टिप, प्लान द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम शुरू होने पर जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले आप शुरू के 10-15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से एग्जामिन करें और प्लान करें कि आप किस ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट लगता है पहले उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्लानिंग का ये फायदा होता है कि आप पहले अपने मेन क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं और आपको हर क्वेश्चन के बाद ये सोचना नहीं पड़ता कि अब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसकी प्लानिंग आप शुरू में ही कर चुके हैं। इससे आपका अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन होता है। फिर टिप नंबर 3, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त हम सभी की ये आदत होती है कि हम अपने आंसर्स को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन इस पर इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि लास्ट में आप पूरे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट ना कर पाए। कई स्टूडेंट्स आंसर लिखने के बाद उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे बेहतर ये रहेगा कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। फिर एक और महत्वपूर्ण टिप, यू शुड आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले की गई प्लानिंग के दौरान आप ये डिसाइड कर लें कि आपको इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से जानते हैं उन्हें आप बड़ी आसानी से कम समय में अटेम्प्ट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन की मेरिट के अकॉर्डिंग अपने आंसर का कंटेंट डिसाइड करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि जितना कंटेंट आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं उतना ही 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी लिख रहे हैं। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट आंसर में चाहिए उतना ही लिखें। एक्स्ट्रा लिखकर आप अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद फास्टर राइटिंग की एक और इम्पॉर्टेंट टिप, डोंट वेस्ट टाइम इन वंडरिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन यू डोंट नो। दोस्तों, एग्जाम टाइम में अक्सर हम ऐसी गलती करते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता उसे सोचने में हम काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जो कि पेपर छूट जाने का एक मेजर रीजन है। तो मैं आपको ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उन्हें छोड़ दें और उसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे तो जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं आपको उनके आंसर्स लिखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपका पेपर छूट जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये थी एग्जाम में तेजी से लिखने की कुछ सिंपल टिप्स। हमें यकीन है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपकी राइटिंग स्पीड 100% इम्प्रूव होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल recruitmentresult.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रहे दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में दिखने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा ये कि हमारी वीडियोस जब भी अपलोड होंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। रिक्रूटमेंट रिजल्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।